नमस्कार। झूला देखा होगा आपने, झूला जितना पीछे जाता है उतना ही आगे भी जाता है। ठीक वैसे ही जिंदगी होती है, जितना दुख आपने देखा है यकीन मानिए उतना ही सुख भी आपका इंतजार कर रहा है। ऐसे ही हमें जिंदगी को समझना होता है, क्योंकि जिंदगी के जो ये झूला है ये आगे पीछे जाता रहता है और इसके बीच में हमें अपनी लाइफ को बैलेंस करना होता है, उसका संतुलन साधना पड़ता है। तो आपके तारे जिंदगी को संतुलित करने का एक मौका देता है, जिंदगी को प्लान करने का एक मौका देता है, ताकि सुख दुख आपको ज्यादा प्रभावित ना कर पाए। तो सबसे पहले स्वागत करेंगे ज्योतिष गुरु का, फिर आप सबके लिए आज की बात। ज्योतिष गुरु बहुत बहुत स्वागत है जी। नमस्कार। तो आज का दिन आप सबके लिए कैसा है ये आप सब जानना चाहते हैं और हम आपको बताना चाहते हैं। आप इसलिए जानना चाहते हैं ताकि आप प्लानिंग कर सके, और हम ज्योतिष सारी चीजें आप तक भी इसीलिए पहुंचाते हैं कि आप बेहतर प्लानिंग के साथ हर दिन को बेहतर ढंग से जी सके, ताकि आपकी जिंदगी खूबसूरत बन सके। तो मेष और वृषभ, सबसे पहले आपकी करते हैं प्लानिंग, आपका राशिफल, और फिर क्या करें क्या बिल्कुल ना करें। मेष राशि वाले किसी भी तरह के परिवर्तन के बारे में सोचेंगे तो घर परिवार की खुशियों पर उसका असर आ जाएगा, इसलिए आपको किसी भी तरह के तकरार से इस समय तो बचना ही पड़ेगा। क्या करना चाहिए समूह में, अपने बड़े बुजुर्गों की बात को समझना पड़ेगा, उनके तजुर्बे से जिंदगी में बहुत कुछ सीखा जा सकता है। क्या ना करें इस समय में, किसी प्यार के रिश्ते की ओर अपना झुकाव इतना ना बढ़ाएं कि उसका असर जिंदगी की बाकी चीजों पर आ जाए। वैसे भी यह गलती भरा समय है, इसलिए जानबूझकर कोई गलती ना करें। वृषभ राशि वाले जितना अपनी कोशिशों को बढ़ा लेंगे उतना आपका लाभ भी बढ़ जाएगा। जिंदगी की चुनौतियों को इस तरह के आशावादी नजरिए से तो आपको देखना ही पड़ेगा। क्या करना चाहिए समय में, अपने दोस्तों से तालमेल बनाए रखने का समय है, घर परिवार की खुशियां भी इसी वजह से बनी रहेंगी, रिश्तों में सुख बना रहे ये सबसे बड़ी बात। क्या ना करें समय में, अपने बढ़ते हुए असंतोष का असर अपने घर परिवार के रिश्तों पर बिल्कुल ना पड़ने दें। वैसे भी किसी भी तरह का फासला बनाने की कोशिश बिल्कुल ना करें। तो ये वक्त फासले बनाने का नहीं है, ये समझिए पास जाने का। एक सवाल लेते हैं ज्योतिष गुरु, और पास पहुंचते हैं हम सुनीत परमार के। तो सुनीत जी, आपका सवाल हमारे सामने है, बहुत ध्यान से जुड़िएगा हमारे साथ। तो 15/3/1993 3:47 पर शाम को इनका जन्म हुआ है मुंबई में। जानना चाहते हैं कि जिंदगी का जो प्यार है वो इन्हें मिल पाएगा कि नहीं, इनका जो प्यार है वो इन्हें मिल पाएगा या नहीं, और आगे पढ़ाई कैसी रहेगी। तो सुनीत जी, पढ़ाई के साथ साथ जिंदगी का प्यार थोड़ा कम तलाशी, गड़बड़ हो जाती है कभी कभी, फिर भी देखते हैं ज्योतिष गुरु क्या कहते हैं। सुनीत, आपके कुंडली है जी कर्क लगन की और धनु राशि की, आपकी महादशा चल रही है शुक्र की और अंतरदशा चल रही है केतु की फरवरी 2018 तक। पढ़ाई के बारे में पहले बात करना चाहूंगा, और पढ़ाई में मन है नहीं, आपका फोकस बिल्कुल बिखरा पड़ा है, जबकि मैं ये देख रहा हूँ आपकी कुंडली से कि आपके अंदर काबिलियत बहुत है, बस उसे एक दिशा देने की ज़रूरत है और वो दिशा आप दे नहीं पा रहे। रिश्तों को लेके भी कोई बहुत अच्छा समय नहीं है, जबकि आप सिर्फ लव लाइफ की ही बात करते चले जा रहे हैं, पढ़ाई के बारे में उतना फोकस नहीं, और रिश्तों के लिए समय अच्छा नहीं है। इसलिए रिश्तों से मन हटा के ज़रा पढ़ाई की ओर ध्यान दे लीजिए, ताकि आपका भविष्य बन जाए। तो सुनीत, जब आपने सवाल पूछा था तभी हमने कहा था कि पढ़ाई के साथ साथ लव लाइफ, देखिए एक आम इंसान समझ सकता है कि आप कहां पर गड़बड़ कर रहे थे, और आपकी कुंडली भी यही कह रही है कि आप में सारा पोटेंशियल है, आप बढ़िया पढ़ सकते हैं, बढ़िया करियर बना सकते हैं, लेकिन पढ़ाई को छोड़कर आप सब कुछ सोच लें। ये समय रिश्तों में उलझने का नहीं है, आपका करियर गड़बड़ हो सकता है, आपका करियर बहुत अच्छा बन सकता है अगर आप कॉन्सेंट्रेट करें खुद को और पढ़ाई की तरफ ध्यान दें, अभी पढ़ लीजिए। आगे बढ़ते हैं, और मिथुन और कर्क अब आपके लिए देखते हैं क्या कुछ है आपके राशिफल में, और उसके बाद टिप्स क्या है आपके लिए। मिथुन राशि वाले अपनों के लिए बहुत कुछ करना चाह रहे हैं और ये बहुत अच्छी बात, पर आपकी योजनाओं में पैसे की स्थिति बेकाबू हो सकती है। क्या करना चाहिए समय में, अपने काम में मन लगाए रखें और आप देखेंगे कि बहुत कुछ आपके काबू में ही रहेगा। वैसे भी लोगों की सलाह लेने से जिंदगी का रास्ता आसान बनाया जा सकता है। क्या ना करें समय में, अपने बेहतर होते हुए हालात पर व्यर्थ में शक न करते चले जाएं। वैसे भी अपने मन में किसी भी तरह के असंतोष को जगह न बनने दें। कर्क राशि वाले ये समझ लें कि जिंदगी में हर व्यक्ति को खुश नहीं किया जा सकता, ऐसा संभव ही नहीं है, पर लोगों से तालमेल बना रहे ऐसी कोशिश तो फिर भी करनी ही पड़ेगी। क्या करना चाहिए समय में, जो भी करना चाह रहे हैं उसे अपनी कोशिशों से ही प्राप्त किया जा सकता है, इसलिए आपकी अपनी मेहनत ही आपके हालात को सुधारेगी।
क्या ना करें इस समय में, कामकाज के क्षेत्र में किसी ऐसी बहस में ना पड़े जिससे आपका ही नुकसान हो जाए। अपने काम को सुधारने के लिए पैसा लगाने से पहले एक बार फिर सोच लें। देखिए, काम को सुधारने के लिए अगर आप पैसा लगाना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत ज्यादा सोच विचार कर लीजिएगा, ठोक बजा लीजिएगा, कहीं गलत जगह पैसा आप इन्वेस्ट ना कर दें इसके लिए। तो आगे सिंह और कन्या राशि आपके लिए देखते हैं कैसा है आपका राशिफल और आपको क्या करना है और क्या बिल्कुल नहीं करना है। सिंह राशि वाले किसी नए रास्ते पर चलना चाह रहे हैं लेकिन वो रास्ता जोखिम भरा हो सकता है और इसे समझना बहुत जरूरी है ताकि आप पहले से तैयार हो जाएं। क्या करना चाहिए समय में? अगर किसी प्यार के रिश्ते को आगे बढ़ाना है तो अपनी इच्छाओं को फिलहाल थाम लें क्योंकि आपको अपनों का समर्थन मिलने में कमी रह सकती है। क्या ना करें समय में? सिर्फ पैसे के बलबूते पर अपने फैसले करने की कोशिश न करें, ऐसा करते हुए कहीं आप लोगों से दूरियां ना बढ़ा लें। कन्या राशि वालों के लिए पैसे की स्थिति ठीक है और हालात मददगार है। सुख और सुकून का माहौल जिंदगी में बना रहे ये भी बहुत बड़ी बात है। क्या करना चाहिए समय में? घर परिवार की खुशियां बनाए रखनी होंगी। वैसे भी हालात मददगार हो रहे हैं जिसका पूरा फायदा उठाना होगा आपको, इसलिए अपने मन में सुकून पैदा कर लेने की जरूरत पड़ेगी। क्या ना करें समय में? अपने मन में किसी भी वजह से उत्तेजना को ना बढ़ने दें, खासकर कामकाज से जुड़े फैसले जल्दबाजी में बिल्कुल ना करें। तो जल्दबाजी में कामकाज से जुड़े कोई भी फैसले बिल्कुल मत कीजिएगा, ये सलाह देते हैं आपको ज्योतिष गुरु। और हम आगे बढ़ते हैं सवाल की तरफ और सवाल हमारे सामने आयुषी आपका आता है। तो आयुषी, डेट ऑफ बर्थ 11/2/1993, 5:25 पर अजमेर में हुआ है इनका जन्म। स्टडीज कुछ खास नहीं है ज्योतिष गुरु, बायोलॉजी स्टूडेंट थी लेकिन बीपीटी में मेडिकल स्टूडेंट सिलेक्शन भी हुआ था लेकिन उन्होंने छोड़ दिया। अच्छा, मेडिकल में एडमिशन हुआ था, छोड़ दिया। अच्छा, उसके बाद आर्ट्स के साथ इन्होंने ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया और अब फाइनल ईयर है इनका, साथ ही बैंक की कोचिंग की भी तैयारी कर रही हैं। कोचिंग में क्या कुछ संभावनाएं हैं कोचिंग के बाद, यानी करियर कब तक बनेगा और शादी, लव मैरिज होगी, अरेंज्ड मैरिज होगी? फिलहाल आयुषी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है आपके सवाल में ही और हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कन्फ्यूजन आपकी कुंडली में भी झलकेगा, वो समझते हैं ज्योतिष गुरु से। आयुषी, आपकी कुंडली है जी कर्क लगन की और तुला राशि की। आपकी महादशा चल रही है बृहस्पति की और अंतरदशा चल रही है शनि की मई 2018 तक। 2018 में आपकी ग्रेजुएशन पूरी होगी और उसके बाद आप वो तैयारी करना चाह रहे हैं ताकि आपको बैंक में अच्छी सी जॉब मिल जाए। उस तैयारी को बहुत मजबूत करना है क्योंकि 2020 में अब से 3 वर्ष के बाद आपका कैरियर बनता हुआ नजर आ रहा है। शादी के लिए थोड़ा सा रुक जाना चाहिए और आपको शादी करनी चाहिए 2021 में, अब से लगभग 4 साल के बाद और अपना कैरियर बनने के बाद। आयुषी, सारा कंफ्यूजन भुला दीजिए, 2020 में आपका करियर बन रहा है, अपने आप को पूरी तरह से झोंक दीजिए पढ़ाई में और उसके अगले साल आपकी शादी का भी योग है, तो बिल्कुल जो असमंजस है अपने दिमाग से उसको निकाल दीजिए। अभी शादी का ख्याल मन में मत लाइए, अभी करियर के बारे में सोचिए, 20 में आपका करियर बन रहा है। आगे तुला और वृश्चिक राशि आपके लिए देखते हैं कि आज कैसे संयोग बन रहे हैं और उन संयोग के साथ आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तुला राशि वाले थोड़ा सा संयम रख लें क्योंकि जल्दबाजी ठीक नहीं है। अगर अपनी कोशिशों में कमी आ जाएगी तो शायद वो उम्मीदें ना पूरी हो पाए जो आप चाह रहे हैं। क्या करना चाहिए समय में? कामकाज के क्षेत्र में भी तालमेल बनाने की जरूरत है और लोगों को समझने की भी। ये सब कुछ करना आसान हो जाएगा अगर आप अपनी कोशिशों को बहुत ऊंचे स्तर का बना लेंगे। क्या ना करें समय में? पैसे से जुड़ी चुनौतियां बढ़ रही हैं इसलिए कोई गलती ना करें और ऐसा करते हुए लोगों से कोई बहुत बड़ी उम्मीद भी ना लगाएं। वृश्चिक राशि वालों के लिए तकदीर की भूमिका ठीक बनी हुई है क्योंकि आपकी काबिलियत आपका साथ दे रही है। जिंदगी का सुख और सुकून थोड़ा थोड़ा भी मिलता चला जाए तो भी बहुत बड़ी बात है। क्या करना चाहिए समय में? अपने कामकाज की ओर ध्यान देना होगा ताकि आर्थिक स्थिति ठीक ठाक बनी रहे और साथ ही साथ अपने व्यवहार पर भी एक नजर रखनी होगी ताकि आप अपनी ओर से शांति का माहौल बना सके। क्या ना करें समय में? अपने काम को अगर आगे बढ़ाना है तो अपनी ओर से कोई कमी ना रखें, हर चीज को शक की नजर से देखने की आदत ना बना लें। हर बात पर शक करना ये एक तरह की बीमारी सी बन जाता है, तो हमको इससे बचना है, शक की आदत से। धनु मकर राशि अब आपके लिए देखते हैं क्या कुछ बन रहा है आज के दिन और आज के दिन उपलब्धियां आपको कैसे मिले, इसके लिए आप क्या करें और आप क्या बिल्कुल ना करें। धनु राशि वालों के लिए कामकाज की स्थिति ठीक है क्योंकि आपका रुझान बहुत बेहतर बना हुआ है।
फिर भी अपनी मानसिकता को थोड़ा सा काबू में बनाए रखने की जरूरत पड़ेगी। क्या करना चाहिए इस समय में? घर परिवार की खुशियां इस समय बहुत मायने रखती हैं, और वो तभी संभव हो पाएगा अगर आप लोगों को एक नए नजरिए से देखेंगे। हर व्यक्ति में कोई ना कोई अच्छाई होती है, उसे ढूंढ ले। क्या ना करें इस समय में? जिंदगी की खुशियां संयम बनाए रखने से ही मिलती हैं, इसलिए अपने मन में कोई ऐसी उत्तेजना ना पैदा करें जो उस संयम को कम कर दे। मकर राशि वालों के लिए घर परिवार में फासले बनेंगे तो मुश्किल होगी, इसलिए छोटी छोटी बातों को संभाले रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या करना चाहिए समय में? अपनी सोच में और अपनी कोशिशों में एक ठहराव लाना होगा, तभी जाकर लोगों की अच्छाई आपको नजर आएगी, और यही इस समय की प्राथमिकता है। क्या ना करें समय में? रिश्तों को संभालने के लिए अपनी ओर से कोई कमी ना रखे, इस वजह से किसी भी तरह के तकरार में बिल्कुल ना पड़े। किसी भी तरह की तकरार में आपको नहीं उलझना है, और यही सबसे जरूरी बात है जिसको आपको ध्यान में रखकर ही आज चलना है। तो कुंभ और मीन राशि, अब आपके लिए देखते हैं कि क्या कुछ है आज के दिन स्कोप, आप क्या कुछ कर सकते हैं और क्या आपको नहीं करना चाहिए। देखिए, ये दोनों ही चीजें बहुत जरूरी होती हैं, कुछ अच्छा करना और कुछ गलत करने से बचना, एक्शंस रिएक्शंस, इन दोनों को चैनलाइज करना ही जरूरी होता है। हम कर रहे हैं आपके लिए, आप सुनिए और उस पर चलिए। कुंभ राशि वालों को अपनी मानसिकता को थोड़ा सा तो संभालना ही पड़ेगा, तभी जाकर जिंदगी की तस्वीर जो है वो सुखद नजर आएगी। कोशिश करके तो देखिए, आसान है, मुश्किल नहीं है। क्या करना चाहिए समय में? अगर अपने पैसे की स्थिति को संभालना है तो पैसे को उतनी ही अहमियत दें जितनी की जरूरत है। बहुत ज्यादा उम्मीदें लगाने से गलती भी हो जाती है। क्या ना करें समय में? किसी बेहतर होते हुए प्यार के रिश्ते में कमियां ना निकालते चले जाएं। वैसे भी अपने मन को इस समय भटका लेना ठीक नहीं होगा। मीन राशि वाले अगर ठान लेंगे तो रिश्तों की अच्छाई बनाई जा सकती है। आपकी सूझबूझ इस समय बहुत बड़ा काम कर जाए, ऐसा ही कहते हैं आपके तारे। क्या करना चाहिए समय में? कामकाज में अपने प्रदर्शन को बेहतर करने के लिए अपनी काबिलियत को और तराशना होगा, और ये इस वजह से संभव है क्योंकि आप ऐसा अपनी ओर से करना भी चाह रहे हैं। क्या ना करें समय में? घर परिवार की खुशियों में किसी भी तरह की कमी ना आने दें, अपनी बातों में तीखापन बिल्कुल ना लाएं, तभी जाकर जिंदगी की खुशियां बनी रहेंगी। कभी हम तीखा बोल जाते हैं और वो तीखापन हमें नुकसान पहुंचा जाता है या पहुंचा सकता है, उस तीखेपन से बचिए, जिंदगी आपके लिए सहज हो जाएगी। तो बस इसी के साथ दीजिए इजाजत, और याद रखिए कि अगर दुख आपको घेर ले तो हमेशा याद रखिएगा उतने ही सुख भी आपका इंतजार कर रहे हैं, लेकिन जीवन के उस मुश्किल समय को आपको जीना ही है। हाँ, अगर आप अपनी प्लानिंग दुरुस्त रखें तो जो मुश्किल वक्त है वो आपको प्रभावित कम करता है, और इसी के लिए आपके तारे के साथ रहिए, हम आपकी हर रोज की प्लानिंग दुरुस्त करते चलेंगे। अगर कोई सवाल है हमें ईमेल कीजिए aapketare@aajtak.com पर, हमारा वेबसाइट एड्रेस है www.aajtak.in/tare। तो फिलहाल दीजिए इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात ज्योतिष गुरु के साथ, लेकर आपके तारे। नमस्कार। नमस्कार।